मेडिकल सीटों में ओबीसी को आरक्षण देना केंद्र सरकार द्वारा देर से एवं राजनीतिक स्वार्थ में लिया गया फैसला। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने किया मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप सभी का स्वागत करता हूँ द थिंग पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने मोदी सरकार द्वारा ओबीसी को मेडिकल सीटों में दिया गया आरक्षण चुनावी स्वार्थ में लिया गया फैसला कहा है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया की यूजी व पीजी सीटों में ओबीसी कोटा की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम। केंद्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इनको अब तक काफी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है। उन्होंने आगे लिखा है कि वैसे बीएसपी बहुत पहले से सरकारी नौकरियों में एससी एसटी व ओबीसी कोटा के बैकलॉग पदों को भरने की मांग लगातार करती रही है, किंतु केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इन वर्गों के वास्तविक हित व कल्याण के प्रति लगातार उदासीन ही बनी हुई है। यह अति दुखद है। जैसा कि गौरतलब है कि बसपा की नीति हमेशा से ही आरक्षण के समर्थन में रही है और बसपा नेताओं द्वारा बैकलॉग की पुरानी भर्तियां करने के लिए सरकार पर दबाव की नीति भी रही है, लेकिन मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण को बहन मायावती ने चुनावी स्वार्थ में लिया गया फैसला कहा है, क्योंकि इसकी मांग ओबीसी समाज कई दिनों से कर रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।